क्योंकि जिस तरीके से माहौल हमको दिखता रहा है, इंटरनल सोर्सेज के पता चल रहा है कि वो प्रिंसिपल उसकी अपनी हरकतें जो है साफ साफ दिख रही है, डरी हुई, बहुत डरी हुई है, क्योंकि एट द एंड इस व्यक्ति को जाना है जेल में, ये तो फॉर श्योर है, क्योंकि इस पर मुकदमे दर्ज हो चुका है। क्योंकि अगर तुम इतना इनह्यूमन बिहेवियर एक प्रिंसिपल होने के बावजूद करोगे तो क्या इस सोसाइटी में फ़र्क जाएगा? क्या एक संदेश देना चाहते हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसा एक चर्चित कैंपस, एक ऐसा कैंपस जहाँ से देश दुनिया के लोग आते हैं पढ़ने, अगर उस कैंपस में ये सारी चीज़ें होंगी तो आप क्या संदेश दोगे? आप कैसे प्रोफेसर होगे? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी डॉक्टर ऋतु का धरना प्रदर्शन चलते हुए 12वां दिन हो चुका है। लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है और समर्थन करने के लिए तमाम लोग आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आशुतोष भीम, आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के अध्यक्ष। क्या कुछ कहना चाहेंगे? 12वां दिन है, कुछ असर होता हुआ दिख रहा है इसका? देखो, सबसे पहले तो मतलब 12वां दिन है आज हमारा प्रोटेस्ट आंदोलन चलते हुए। असर तो अभी तक कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि 12 दिनों के सेटिंग लगातार 24/7 सेटिंग प्रोटेस्ट चल रहा है हमारा, तो असर तो कुछ नहीं हो रहा इन लोगों पर, लेकिन डरे हुए जरूर हैं ये लोग, क्योंकि जिस तरीके से माहौल हमको दिखता रहा है, इंटरनल सोर्सेज के पता चल रहा है कि वो प्रिंसिपल उसकी अपनी हरकतें जो है साफ साफ दिख रही है, डरी हुई, बहुत डरी हुई है, क्योंकि एट द एंड इस व्यक्ति को जाना है जेल में, ये तो फॉर श्योर है, क्योंकि इस पर मुकदमे दर्ज हो चुका है। क्योंकि अगर तुम इतना इनह्यूमन बिहेवियर एक प्रिंसिपल होने के बावजूद करोगे तो क्या इस सोसाइटी में फ़र्क जाएगा? क्या एक संदेश देना चाहते हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसा एक चर्चित कैंपस, एक ऐसा कैंपस जहाँ से देश दुनिया के लोग आते हैं पढ़ने, अगर उस कैंपस में ये सारी चीज़ें होंगी तो आप क्या संदेश दोगे? आप कैसे प्रोफेसर होगे? तो जो ऐसे प्रोफेसर को दिल्ली यूनिवर्सिटी डिजर्व नहीं करता, सॉरी, ऐसे प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहने लायक नहीं है, तो इनको साफ साफ बाहर निकालने की जो आंदोलन चला है उस आंदोलन में शामिल है। G20 को लेकर पूरी दिल्ली बंद है, हर जगह हर रास्ते बंद किए गए हैं, लोगों को दुकानें यहाँ भी बंद करके, यूनिवर्सिटी पूरी बंद है। आपका यहीं पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, किसी ने हटाने की कोशिश नहीं की क्या? कुछ नहीं, देखो, बहुत कोशिश किया गया इस धरने को हटाने की, लगातार शाम को आप आइएगा कभी रिपोर्ट करने तो पुलिस खड़ी रहती है, बार्गेन करती रहती है, लेकिन हम लोग निडर लोग हैं, हम लोग डरने वाले हैं, हम लोग लीगल रूप से चल रहे हैं, हमारे पास तमाम ऐसे वकील हैं, तमाम ऐसे अच्छे अच्छे लोग हैं जो इस धरना को सपोर्ट कर रहे हैं, तो लगातार अटैक है इस धरने पे, तमाम कारें घूमती रहेंगी, बहुत बार हमने कैमरा में हमारे साथ में आया कि बहुत बार अटैक करने की कोशिश एक दिन शाम में हुई थी, लेकिन हम शाम में क्या हो गया, शाम में कोई आया था व्यक्ति, गाली गलौज करने लगा उसको, फिर हमने खुद उसको भगाया, पुलिस वुलिस बुलाई, फिर पुलिस तो चाहती कि यहाँ कुछ हो और हम इस धरने को हटाएं। गाली गलौज क्यों की गई? देखो, साफ साफ जहाँ नीला झंडा दिख जाता है ना, वहाँ लोगों को थोड़ा बेचैनी होने लगती है कि ये लोग कैसे इस कैंपस में हैं, कैंपस में हैं तो अपनी बात इस तरीके से मुखर रूप से क्यों रख रहे हैं, तो इस बात से बेचैनी होगी। और जहाँ भी एक कोई दलित व्यक्ति, कोई महिला मुखर रूप से बोल देती है, आपको पता है समाज में क्यों लड़कियाँ नहीं बोलना, भाई तू छोटी जात से नहीं बोलना, तो ये सारी जो समाज में चीज़ें चल रही हैं उसके खिलाफ हम लड़ते हुए जब यहाँ बोलते हैं तो लोगों को बड़ा बेचैनी होती है कि आज ये महिलाएं क्यों बोल रही हैं, आज यहाँ के दलित लोग क्यों बोल रहे हैं, तो इसी वजह से उसको लगा हुआ कुछ। आपने कहा नीले झंडे से जो है लोगों में बेचैनी आ जाती है देख के कैंपस में, अब कैंपस में जो है स्टूडेंट इलेक्शन हो रहा है नीले झंडे के तहत, क्या कुछ बताना चाहेंगे इसको? देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार कोई बहुजन आंदोलन मूवमेंट छेड़ा है, और इस आंदोलन में पहली बार एक नीले झंडे के नीचे भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन, एक संगठन जो यहाँ पर ऐसी आम जो स्टूडेंट आते हैं, आम लड़कियाँ, आम छात्र लोग जो आते हैं, उनको इलेक्शन लड़वाने काम कर रहा है। हमने बताते हैं कि एक समतामूलक सोसाइटी और एक सेफ स्पेस क्यों जरूरी है कैंपस के अंदर, क्यों हमारे समाज के लोग ज़्यादा मारे जाते हैं, क्यों तमाम महिलाओं के साथ छेड़ करने होते हैं इन्हीं सड़कों पर, उसके खिलाफ हमारी आवाज़ है। और हम लोग नीले झंडे के नीचे पहली बार आए हैं इस कैंपस में, इस कैंपस का इतिहास बदलने। हम बताएंगे कि यहाँ पर जो छात्र हैं, एक नॉर्मल छात्र जो क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, उसको छात्र नेता कैसे बनाया जाता है। हमारा मूवमेंट हॉस्टल के लिए मूवमेंट है, हमारा मूवमेंट फीस हाइक पर मूवमेंट है, हमारा मूवमेंट है कि यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट जिनको हमेशा डर लगा रहता है कि मैं अपनी जाति बता दूंगा तो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हमारा मूवमेंट उन लोगों के लिए है कि आप लोग अपनी जाति बता के खूब पूरे रूप से सबके सामने रहिए, आप आइए भीम आर्मी छात्र संघ से जुड़िए, आपको वो कल्चर ऐसा स्पेस यहाँ के लोग प्रोवाइड कराएंगे, आप लोग खुद बनाइए वो कल्चर, हम लोग आपके साथ हैं। आप एक युवा हैं, इलेक्शन में भी काफ़ी एक्टिव है, तो
उदय निधि के बयान पर आप क्या सोचते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? एकदम सही बोला, उदय निधि के साथ हम, उदय निधि स्टालिन के साथ हम साथ हैं, उनके उनके बयान पे एकदम डट के खड़े हुए हैं। यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ही कहता हूँ कि उदय निधि ने जो बोला वो एकदम साफ बोला, एकदम सही बोला। ये काम तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन ये लोग तमाम जिस तरीके उदय निधि पर अटैक करने की सोच रहे हैं वो एकदम गलत है, क्योंकि उदय निधि एकदम तार्किक बात कर रहे हैं, फैक्चुअल रेशनल व्यक्ति है वो, और रेशनल बातें कर रहा है। एक मांग होती है कि भीम आर्मी को न्योता भेजा जाए इंडिया गठबंधन से, उसमें शामिल कर लिया जाए, दूसरी तरफ ऐसे बयान आ रहे हैं तो आप उसका समर्थन भी कर रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे हैं। क्यों मैच नहीं हो रहा, मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि वो ये सामाजिक मुद्दा है, इलेक्शन का मुद्दा दूसरे बैग, हाँ ऑब्वियसली पॉलिटिक्स इन दोनों को मिला के ही होती है, लेकिन बीमार में छात्र संघ की तरफ से आशुतोष बोलते हैं, मैं बोलता हूँ बार बार कि सामाजिक न्याय की जहाँ बात होगी हम खड़े रहेंगे, जहाँ बात होगी कि हमारे खिलाफ हो रहे अत्याचारों की। लेकिन 80% लोगों की भावनाओं की बात है, वो कैसे एक्सेप्ट, क्या बात कर रहे हो, कहाँ से 80% लोगों की भावनाएं हो गई? 85% लोग तो हमेशा से इन लोगों ने अलग रखा है, यहाँ के शूद्र और अति शूद्र को कैसे रखा है, क्या उस धर्म में उन मंदिरों में प्रवेश करने दिया, महिलाओं को किस तरीके से जब एक मतलब उनको मंदिरों से जाने के लिए रोका जाता है, तो हम सीधा बात बोलते हैं कि यहाँ पे दलित महिलाओं का या महिला किसी भी उससे आती हो उनको रोकना, दलितों को रोकना मंदिरों से, अभी तक तो 1947 से पहले एक्सेप्टेंस नहीं थी, तो अब क्यों तुम्हारा हिंदुत्व वाला या हिंदू सो कॉल्ड हिंदू का तुम्हारा अपना यूनिटी जाग गया? अरे हमको तो तुम वैदिक इतिहास से ठुकराते आ रहे हो ना, तो हम ऐसे धर्म को क्यों एक्सेप्ट करें? इस जो भी कोई अत्याचार करे किसी व्यक्ति के खिलाफ उसको एब्यूज करके ही रहेंगे हम लोग, और उसके साथ हम लोग खड़े हैं। तमाम लोग जो हैं इसको लेकर, परमहंस आचार्य ने ऐसा बयान दे दिया है कि 10 करोड़ रुपए देंगे इनाम में जो उदय निधि का सर काट कर लाएगा। अरे ऐसे लोग कुछ भी बयान देते रहे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम लोग एक फैक्चुअल लोग हैं, हम लोग साइंटिफिक लोग हैं, चाहे उदय निधि स्टालिन हो या हमारे संगठन के लोग हों या कोई भी जो ऐसे सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं जो अम्बेडकर राइट है, जो पेरियार को फॉलो करते हैं, तो हम लोग रेशनल व्यक्ति है, साइंटिफिक व्यक्ति है, हम फैक्ट पे बात करेंगे, हम लोग ऐसे है नहीं कि कोई जो उसका करेगा, ये तो सदियों से ये करते आ रहे हैं, महिलाओं के साथ रेप ये किए, इनके खिलाफ थोड़ी सी जो रेशनल बात बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो इनको लग रहा है इनके धर्म के खिलाफ बोल रहा हूँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके धर्म के में कुछ गलतियाँ हैं। आप ऐसे व्यक्ति के लोग बोलेंगे 10 लाख, तो ऐसे व्यक्ति क्यों अभी तक जेल नहीं हो रही, हम तो पूछना चाहते हैं, तुम डायरेक्ट एक आतंकी साजिश रखने की कोशिश कर रहे हो, यही तो आतंकी बोलते हैं ना यही लोग, तो आप में और उनमें क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है, ये लोग हिंदुत्ववादी सारे आतंकवादी हैं, एक तरह से एक्सट्रीम जो रिलीजियस भावना इनके अंदर है, और ये लोग कभी भी इंसान के खिलाफ, ये लोग कभी भी इंसानियत के साथ खड़े नहीं हो सकते। इस बयान को जो है उससे नुपुर शर्मा के बयान से जोड़ा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि जब उन्होंने कुछ कहा तो पूरे बीजेपी के से मांग हुई थी कि माफ़ी मांगे, बवाल हो गया, और अब स्टालिन ने बोला है तो कोई कुछ नहीं बोल रहा। नहीं देखो, आपको थोड़ी गलत हुई है कि कितने लोगों की एक सिर्फ घटना आई थी कन्हैया कुमार की, वो भी इन्हीं की वजह से हुआ था, कि आप लोग जो ऊपर गद्दी में बैठे हो कुछ भी बोल रहे हो, या ग्राउंड पे लोगों को उसी धर्म के नाम पे मारा जा रहा है। जो नुपुर शर्मा ने बोला था, मैं क्यों उन दोनों कंपैरिजन करूं, नुपुर शर्मा का अलग मामला है। कंपेयर होने लग गया है कि नुपुर शर्मा के टाइम इतना सारा कुछ हो गया, अभी इनके लिए कुछ नहीं कहा जा रहा। जो लोग कंपेयर कर रहे हैं वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज बोला जा रहा है, उसने क्यों बोला, उसका तार्किक रेशनल मैं बताता हूँ उसका तर्क, कि बोला सनातन धर्म को एबोलिश होना चाहिए, सनातन धर्म शुड बी एबोलिश, क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि वो धर्म, ऐसा धर्म जो इंसानियत के खिलाफ है, ऐसा धर्म जो अपने ही लोगों को एकदम शिक्षा से दूर रखना, मंदिरों से दूर रखना, अपने ही रिलीजियस चीज़ों से दूर रखना, तो ऐसे धर्म को क्यों मान ले यहाँ के लोग, ऐसे धर्म को सच में विनाश की ओर जाना चाहिए या नहीं चाहिए, मैं एकदम हर एक उस पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ। और नुपुर शर्मा वाला दूसरा मामला था, वो तो कुछ भी बोल रही है मीडिया में आके, हम लोगों को सुनो, देखो मैं सीधी बात बोलता हूँ, ये दोनों मुद्दे अलग अलग हैं, वो उसका अपना पॉलिटिकल मामला था और ये एक सामाजिक मामला है, हम हमारी अपनी डिग्निटी की लड़ाई है, हमारी अपनी अपने खुद को बचाने की लड़ाई है, तो हम लोग स्टालिन के साथ हैं, और वो उसकी खुद की अपनी पॉलिटिक्स इंडिविजुअल महत्वाकांक्षा की बात थी, इसलिए उसने बोला वो सब। क्या आपको पता है कि उदय निधि जो ये बयान दे रहे हैं सनातन खत्म होना चाहिए, उनकी माँ मंदिर में लाखों का दान कर रही हैं, खुद उदय निधि जब अपने मूवी की शूटिंग पे जाते हैं, मूवी शूटिंग स्टार्ट करते हैं तो पहले दिन पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखो वो जो
ये जो आपने बोला कि उसकी माँ क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, हम लोगों को इस तरीके से देखना हो, इसको पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं बोल सकते ना हम। किस तरह वो व्यक्ति, उसकी एक मूवी आई महामानन करके, आपने देखी होगी शायद, नहीं, बहुत बढ़िया एकदम समाजी, जितना मैं उसको फॉलो करता हूँ, उसको जानता हूँ पर्सनल जीवन में, कि वो व्यक्ति देखो एक समाज में क्या होता है ना, पैसे कमाने का वो होता है, वो धर्म को पैसे कमाने का बना रखा है। अगर सनी ये सब कर रहा है, उसको भी क्रिटिसाइज करेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हम उसके खिलाफ बोल रहे हो तो उस पर स्टैंड करो, अदरवाइज आप बोल भी रहे हो कि खत्म होने चाहिए और आप खुद पूजा कर रहे हो। एग्जैक्टली वही देखो, हमारी तरफ से तो हम तो सीधे इस बयान पे स्टैंड के साथ हैं, अगर वो व्यक्ति खुद जा रहा है ये काम कर रहा है तो हम उसके खिलाफ हैं। हम तो इंसानियत के साथ हैं, हम किसी रिलीजन के साथ नहीं है, कोई भी रिलीजन हो, हम लोग चाहते हैं कि एक साथ खड़े रहें, एक साथ बैठे रहें, एक साथ लोग प्यार मोहब्बत से रहें, लेकिन जहाँ रिलीजन रहेगा वहाँ लोग कभी नहीं रह सकते, और ये चीज़ें बार बार रिलीजन ने की हैं। वोट बैंक के लिए साफ तौर पर ऐसी खबरें आती हैं कि एमके स्टालिन जो है वो तमाम मंदिरों के रक्षक बने हुए हैं, जमीनें दान करवाना, मंदिरों में भंडारे करवाना, ये खुद मुख्यमंत्री की तरफ से होता है, और एमके स्टालिन जो खुद पूजा कर रहे हैं, आप इसकी कड़ी निंदा करेंगे? एकदम कड़ी निंदा करेंगे, लेकिन दूसरी ओर की एमके स्टालिन एक पेरियरिस्ट है, एक पेरियर के आइडिया पर चलने वाला व्यक्ति है, और अगर वो ये काम कर रहा है तो अपना आइडिया के विपरीत जा रहा है, तो हम तो उसको कड़ी निंदा करेंगे एकदम। ये एक तरफ से ये देखा जा सकता है ना कि वो खुद ऐसे करते हैं और वोट के लिए जो है तमाम लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं देखो, वोट के लिए तो नहीं है कभी, क्योंकि अगर यहाँ वोट चाहिए तो यहाँ धर्म के साथ आना पड़ेगा। वोट के लिए होता तो वो बोलता कि मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, लोगों को मारो धर्म के नाम पे यहाँ, लेकिन ये वोट के, ये सामाजिक न्याय की बात है, हम बार बार बोल रहे हैं, यहाँ अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज है, ये समझना पड़ेगा हमको बार बार। वोट बैंक की लड़ाई होती तो वो व्यक्ति बोलता कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म वो सर्वश्रेष्ठ है, जैसे कोई व्यक्ति बोलता है, चाहे अखिलेश यादव को ले लो, तमाम मंदिरों में जाता है मंदिर, चाहे नरेंद्र मोदी ले लो, चाहे कोई भी ये तमाम लालू प्रसाद यादव से लेकर ऐसी जैसी पार्टी जो इंडिया में शामिल, वो सारे लोग, इवन ये राहुल गांधी भी, सारे लोग तो वही करते हैं, तो ये तो वो नहीं है, इसने तो बोला है साहब साहब कि वो उसको तो ख़त्म होना चाहिए, इसका मतलब इसका खुद तो भावना है, ये खुद ही कन्फ्लिक्ट कर रहा है ना, खुद पूजा करता है फिर खुद बोल रहा है कि खत्म होना चाहिए। देखो, मैं उस पे सवाल हो, बात सवाल क्या है, लेकिन मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ उसको समझे, मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे इंडिविजुअल छोड़ो, ऐसे भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से बोल रहा हूँ कि उनका जो वो है जो स्टैंड है उसके साथ खड़े हैं हम, जो बोला है कि एक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, लेकिन अगर वो दूसरी चीज गलत कर रहे हैं हम उसके खिलाफ भी बोलेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हम लोग साइंटिफिक बातें करते हैं, जो चीज सही है उसके साथ खड़े हैं, जो चीज गलत है उसके साथ उसको निंदा कर रहे हैं, सीधी बात। आप साफ तौर पर ये जानते हैं, ये बताना चाहेंगे जनता को कि जनता को समझने की जरूरत है? एग्जैक्टली, जनता को समझने की जरूरत है, मैं बोलूंगा आम जनता से भी कि आप लोग समझिए, आप लोग अपने बच्चे को पढ़ाइए, ये धर्म के नाम पर ये तमाम बाबाओं के आसपास मत जाइए, आप लोगों को पढ़ना जरूरी है, आप लोगों को पढ़ाना जरूरी है, आपकी एट दी एंड सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई काम आएगी, उन तमाम आम जनता से बोल रहा हूँ कि कोई काम नहीं आएगा तुम्हारे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई काम आएगी, तो पढ़िए लिखिए, वो बाबा साहब का जो एक कोट है कि एजुकेट एजिटेट ऑर्गेनाइज, तो आप पढ़िए, एक साथ रहिए और एजिटेशन की ओर बढ़िए, आंदोलन की ओर बढ़िए, तो ये हमारा कहना है और मानना है, जनता के लिए भी संदेश है। तो साफ तौर पर कहा जाता है कि शिक्षा ही है जो समाज को बेहतर कर सकता है, समाज में बदलाव ला सकता है, अगर समाज में बदलाव लाना है तो एक ही रास्ता है, शिक्षा ग्रहण करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।